हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं? सभी लोग बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग माइक्रोनिश ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए बेसिकली कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए, और इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए। तो क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसा बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलते ही रहेगा, इस वाले चैनल पे कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है फ्यूचर में भी। तो अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते कभी कभी वीडियो। तो ओवरऑल सबसे पहले हम लोग, मतलब ये तो हो गया, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आपको माइक्रोनिश ब्लॉगिंग का कीवर्ड सर्च का कभी नहीं पता ना, तो आज आपको एडवांस तक कीवर्ड सर्च पता चलेगी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करना जहाँ पे मतलब काफी ब्रॉड हो, जैसे कि अगर मैं अभी कोई भी गेमिंग सर्च करूँ, जैसे गेमिंग, हाँ तो मैंने गेमिंग सर्च किया तो आप देख सकते हो काफी ये ब्रॉड नीच है, यहाँ पे काफी कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे ना ये वर्ड्स माई सर्च नाम का एक वेब स्टोर पे एक्सटेंशन है, वेब स्टोर थोड़ा स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को एक वेब स्टोर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक वर्ड्स माई सर्च नाम का एक एक्सटेंशन आता है, इसको एंटर मारूंगा लिख के। तो ये वाला एक्सटेंशन आपको कर लेना इंस्टॉल, मेरे पास पड़ा है ये वाला एक्सटेंशन, इसको आप लोग करना इंस्टॉल, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ये चीज मिलने लग जाएगी। तो जैसे कि ये मैंने एक ब्रॉड नीच लिखा है, तो गेमिंग पे काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी कुछ है। तो यहाँ पे 2400 गेमिंग ऐप, यहाँ पे 74 के। उसके बाद आप, मैं मतलब अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आप ऐसे जहाँ पे वो ऐसे नीच के साथ जाना, माइक नीच के साथ जहाँ पे कंपटीशन कम हो। जैसे कि यहाँ पे गेमिंग चेयर आ रहा है, कोई गेमिंग चेयर, इसको ही सिलेक्ट कर लेगा। चलो तो गेमिंग चेयर है, ये फ्री में कीवर्ड रिसर्च है, सारे एक्सटेंशन जो भी मैं यूज करूंगा इसमें तो यहाँ पे सारे फ्री होंगे। तो यहाँ पे हमारा गेमिंग चेयर है, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अगर अमेजोन, कोरा ऐसी कोई वेबसाइट रैंक करती है ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे ना कंटेंट की कमी है। अगर आप फोर्थ पेज में जाएं तो यहाँ पे काफी रिजल्ट्स तो काफी दिखा रहा है। अगर हम थोड़ा और डीप जाना चाहें ना इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जाना है। आपको इसको कीवर्ड को कॉपी कर लेना है, और एक ना एक्सटेंशन आता है, एक SEO स्टैक, ये वाला एक्सटेंशन आपको कर लेना है, SEO स्टैक कीवर्ड टूल, ये भी यहीं पे अवेलेबल है। अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं तो यहाँ पे आएंगे हम लोग होम पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च द स्टोर पे कंट्रोल V करके एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एक्सटेंशन है, आपको seostack.net की तरफ से कोई अवेलेबल किया जा रहा है, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। यूज कैसे करना है, यहाँ पे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे आके यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, सिंपली एक टैब खुलेगा और उसमें ऐसे इंटरफेस होगा। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको यहाँ पे वन इन ईच लाइन ये लिखा हुआ है ना, तो आपको पेस्ट कर लेना जो भी आपने को कीवर्ड जो भी आपका है। जैसे मेरा गेमिंग चेयर है तो कंट्रोल सी, हमने कीवर्ड कैसे फाइंड करना, कोई भी ब्रॉड नीचे एंटर करो, कीवर्ड आपको मिल जाएगा। गेमिंग चेयर एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च इंजन जो भी जिसमें भी आप रैंक करवाना चाहते हो, यहाँ पे सोर्सेज में वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं गूगल में रैंक करवाना चाहता हूँ, तो आपको कंट्री, जिस भी कंट्री में रैंक करवाना चाहते हो, लैंग्वेज जो भी रखना चाहते हो कर लेना अपना, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करूंगा सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास ये इतने सारे कीवर्ड्स इसने खुद से ही दे दिए। तो 2 मिनट्स गाइस, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, 260 कीवर्ड्स इसने हमें दिए हैं। तो ये इसमें सभी में गेमिंग चेयर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें भी ऑटोमेटिकली इसने इतने सारे कीवर्ड्स ला के दिए। गेमिंग चेयर अंडर 5000 ये वाला लेते हैं हम लोग, लाइक इसका कीवर्ड का हम सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे, कॉम्पिटिशन भी चेक कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। तो यहाँ पे मेरा टैब नहीं आया, कहाँ गया, हाँ आ गया। तो 390 और $0.10 का ये भी है, CTR भी है। तो ये बहुत अच्छा मतलब आपके लिए कीवर्ड रहेगा, ये ऐसे करके आपके पास एक अच्छा सा कीवर्ड तो आ चुका है। अगर आप अब आगे चेक करना है कि आपको कौन सी साइट्स रैंक कर रही है, जैसे कि ये है, तो अगर मैं साइट एनालाइज करके देखूँ इसको, तो साइट एनालाइज कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको बंद करेंगे यहाँ पे,
इसको कंट्रोल ले करके एक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे होम में आएंगे वापिस से और सर्च करेंगे वेबसाइट एनालाइजर एनालिसिस फ्री, तो फ्री सर्च करें। यहाँ पे आपके पास एचरेफ्स की अगर आपको कुछ आ रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, बट नहीं हमें एचरेफ्स चाहिए, तो नील पटेल था एचरेफ HERF। चलो तो यहाँ पे फ्री वेबसाइट चेक कर ऑडिटर, तो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने माय टेक की टॉक, यो भी है ये। आप यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेना, लॉगिन आप लोग करना चाहो तो। यहाँ पे मैंने इसे लॉगिन नहीं किया हुआ है तो मैं रहने देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे आप डेमो देख सकते हो इनका, अगर आप देखना चाहो तो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिंपली 2 मिनट्स का, इस 2 मिनट्स सो आई गॉट दैट। तो हेयर मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर दूँ। हाँ तो अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ऐसे आपका दिखाता है पूरा कैसे आपकी वेबसाइट एक्सीलेंट है। कीवर्ड कीवर्ड एनालाइजर देखते हैं अब हम। कीवर्ड की कंपटीशन चाहिए हमें, कीवर्ड का कीवर्ड 2.io। चलो इस पे चलेंगे हम लोग अभी। यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, सॉरी सॉरी ये तो कीवर्ड फाइंडर है, तो कीवर्ड एनालाइजर चाहिए हमें फ्री फ्री। तो यहाँ पे मेरे को अगर अगर यहाँ पे कोई ना कोई मैंने इंस्टॉल कर रखा होगा तो ये डिटेल SEO के किस लिए है। हाँ मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया मैंने इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे मैं हमारा कौन सा था गेमिंग चेयर 500 था ना, तो यहाँ पे हम लोग इसी को सर्च करेंगे वंस अगेन। सॉरी सॉरी गेमिंग चेयर 5000। तो ये है हमारा वो वाली साइट जो रैंक हो रही थी। यहाँ पे हम जाएंगे जल्दी से, यहाँ पे इस पे करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये है हमारा एक्सटेंशन कौन सा SEO के है। इस पे क्लिक करना आप लोग, इसको ऑन कर देना ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एलेक्सा रैंक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, गूगल इंडेक्स भी ठीक ठाक है, तो इसका जो है बैकलिंक्स काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स तो हैं, बट पेज भी ठीक ठाक है। फेसबुक लाइक्स पिंटरेस्ट अकाउंट डोमेन गूगल इंडेक्स 183, याहू इंडेक्स भी नहीं है इसका। गूगल में इंडेक्स हो रखी है बट याहू में इंडेक्स ही नहीं हो रखी, इसका मतलब पता चल रहा है कि हमारा ये इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पे बाइडू में भी इंडेक्स हो रखी है, यहाँ पे ये लोड हो रहा है इसलिए उतना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे बैकलिंक्स भी काफ़ी सारे हैं इसके पास। तो ऐसे करके आपको साइट को एनालाइज करना है, कैसे करना है, ये वाले SEO के एक नाम की हमारी ये आ रही है जो वेबसाइट, ये भी एक्सटेंशन है ठीक है। ऐसी है आप लोग यहाँ पे आना, होम में जाना, SEO को एक को इंस्टॉल कर लेना। सारे फ्री हैं यार, एक भी पैसा नहीं लेगा आपसे कोई भी। तो यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेना ठीक है। SEO.com की तरफ से ये आने वाला है और काफ़ी हेल्प भी करता है आपको ठीक है। यहाँ पे इंटरनल लिंक्स इतनी है, एक्सटर्नल लिंक्स भी कुछ ठीक ठाक है। मोर डाटा पे क्लिक करेंगे हम लोग। ओके तो एलेक्सा रैंक ठीक ठाक है यार इसका, ये हमें शो करता है कि देखो शेमरस की तरफ से कोई बैकलिंक ही नहीं है, तो इससे शो करता है कि ये ज़्यादा अथॉरिटी की नहीं है, मीडियम अथॉरिटी है। इसका मतलब कि ये जो है कंपटीशन भी इसका थोड़ा ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ और भी दिखाता है ये, साथ में इसके साथ ही दिखा देता है वेबसाइट के साथ ही क्या कुछ है इसके साथ। तो इसको अगर आपको देखना देखते रहना आप डिसेबल भी कर सकते हो इसको यहाँ से। तो गेमिंग चेयर अंडर 5000 हमारा कीवर्ड, इस पर हम अगर पेस्ट कर ये लिख सकते हैं डिले ब्लॉग। तो गेमिंग चेयर अंडर 5000 अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें, उसके बाद वंस अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे गेमिंग चेयर अंडर 5000 के बाद भी। स्टॉप। हाँ उसके बाद आप पहले से क्लियर कर लेना ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करना तो आपको सिर्फ वही मिलेगी, नहीं तो वो नीचे के नीचे ऐड करता जाएगा। देख सकते हो गाइस ये सारे कीवर्ड्स आपको आप पोस्ट में ऐड कर सकते हो, ये सारे जो आप हेल्पिंग कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो ऐसे, ये सारे गूगल की तरफ से आ रहे हैं। अगर मैं गेमिंग चेयर सिर्फ लिखूं और सारे सर्च इंजन को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे कि गूगल भी रख लूँ मैं, बिंग भी रख लूँ और याहू भी रख लूँ, डक डक गो भी रख लूँ,
और पिंटरेस्ट भी रख लूँ। पिंटरेस्ट छोड़ो, ये सारे हमने सिलेक्ट कर लिए, हमारे काफी सारे कीवर्ड्स ऐसे ही इसमें दे देने हैं। देखो कितने सारे दे दिए, अनलिमिटेड आपको कीवर्ड मिलने वाले हैं यहाँ पे, 300 से ऊपर कीवर्ड्स हैं। अगर हमें माइक्रोनिश पे रैंक करने के लिए 50 से 60 से 100 के बीच में पोस्ट चाहिए होती है, तो हमें 400-500 दे दिए इसने, तो काफी है। इतनी पोस्ट हम लिखेंगे तो हम आराम से रैंक हो जाएंगे, टॉपिक्स काफी देता है ये। तो हमारा इजी हो चुका है, हमारी कीवर्ड रिसर्च हो चुका है या नहीं? तो वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, बट हमारा कीवर्ड रिसर्च सही हो रहा है यार फ्री में। तो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो आप लोग, पेड टूल से एक सी हो जाता, बट हम फ्री टूल्स मल्टीपल यूज कर रहे हैं। बट अगर आपके पास पैसा नहीं लगा रहे हो तो आपका टाइम तो लगाना पड़ेगा ना यार। कहते नहीं है कि एक इंसान 50 रुपए लगा के अपना 5 मिनट बचाता है और दूसरा इंसान 5 मिनट बचाने के लिए 50 मील चलता है, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? मतलब 50 रुपये बचाने के लिए उसने 5 मिनट चला, और उसने 50 रुपये 5 मिनट बचाने के लिए उसने पांच मतलब क्या कहते हैं 50 रुपये डाला। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पेड यूज करना चाहते हो या फ्री। तो मैं यूज करना चाहता हूँ फ्री, तो मैंने आपको सिखा दिया फ्री। और मैं आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ योर पीपल आर स्टूडेंट्स एंड कांट अफोर्ड, दैट्स व्हाई मैं फ्री की मतलब एक कीवर्ड रिसर्च टूल मैंने बना दिया खुद से ही मल्टीपल चीजों को जोड़ के। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक्सटेंशन के नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहां से आप लोग ले लेना, ठीक है? तो आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना इस वाले यूट्यूब चैनल को और लाइक करना इस वाली वीडियो को, फ्यूचर में ऐसी ही ऑसम ऑसम वीडियोस लेते रहने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।